अब बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर चल रहा है इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। डोडा में चार राष्ट्रीय राइफल की चेक पोस्ट पर हमला करने वाले चार आतंकियों की तलाश हो रही है। 11 जून को हुए इस हमले में 5 जवान और 1 एसपीओ जख्मी हो गए थे। चारों संदिग्धों के स्केच कल जारी किए गए और इन आतंकियों पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हर आतंकी पर 5 लाख का इनाम। दो इन्हें पकड़वाने में मदद करेगा उसे इनामी राशि दी जाएगी। हालांकि एक रेस्क्यू ऑपरेशन रियासी में भी चल रहा है। यहां रविवार शाम तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। उस आतंकी पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है, इसका भी स्केच जारी किया गया है। डोडा हमले के आतंकियों पर 5-5 लाख का इनाम है, इनके भी स्केच जारी कर दिए गए हैं। अभी तक 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, कुल मिलाकर कितने आतंकी हैं, इस बात का खुलासा तो सेना नहीं करेगी, लेकिन ये पूरे तौर पर साफ है कि यहां पर एक बड़े ऑपरेशन जिसको आतंकी अंजाम देने वाले थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। सेना को इसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रियासी का हमला अगर छोड़ दें, उसके बाद जिस तरीके से सेना ने वहां पर सक्रियता दिखाई है वह वाकई काबिले तारीफ है। जी नेहा, बिल्कुल। जहां तक कठुआ जो मुठभेड़ की बात है, तो वहां पर जो सुरक्षा बल है उनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। 2 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कल जिस प्रकार से हमने देखा कि कट में जो एक गहन तलाशी अभियान चला, जो पूरा ऑपरेशन चला, काफी मशक्कत करनी पड़ी सुरक्षा बलों को, काफी घंटों तक ये पूरा ऑपरेशन चला, और जो दूसरा आतंकी जंगल में छिपा हुआ था उसको भी सुरक्षा बल जो है सफलतापूर्वक ढेर करने में जो है वो कामयाब रहे। लेकिन नेहा, जो बरामदगी हुई है, यानी कि जो दोनों आतंकवादी मारे गए उनके पास से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें ग्रेनेड है, कई सैकड़ों राउंड के फायर है, बुसला है, साथ ही में जो अमेरिका की जो M4 जो राइफल है वो भी बरामद हुई है। ये एक स्नाइपर राइफल है, तो इससे साबित होता है कि जो अमेरिका में निर्मित जो बड़ी राइफल्स हैं, जो स्नाइपर राइफल्स हैं, वो भी आतंकियों के पास है। तो ये राइफल जो है अत्याधुनिक हथियार हैं, तो इससे साफ साबित होता है कि ये बहुत ही प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, और कहीं ना कहीं इनको एक पूरा टारगेट के साथ भेजा जाता है कि इनको बहुत बड़ी आतंकी वारदातें करनी है, अत्याधुनिक हथियार है। और जो हमारे सूत्र हैं सुरक्षा एस्टेब्लिशमेंट में, उनका भी यही कहना है कि अगर राजौरी पुंछ जिलों की बात करें तो वहां पर 20-30 आतंकवादी अभी भी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। ज्यादातर ये आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित हैं और इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। अगर हम देखें पिछले 4 दिनों में 4 आतंकवादी घटनाएं हुई है यहाँ जम्मू संभाग में, रियासी में, कठुआ में और डोडा में 2, और अभी भी डोडा में जो है, जहां तक गंदो क्षेत्र की बात है, काफी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल देर रात को लगभग 8:30 के आसपास वहां पर जो है एक मुठभेड़ होती है, और उस मुठभेड़ में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसकर्मी घायल होता है। फिलहाल जो है पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा बल इसी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं कि जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको ढेर किया जाए, और सुरक्षा बलों ने स्केच भी जारी किए हैं इन आतंकवादियों के। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच 4 बड़े हमले हुए हैं, 2 अटैक जिसमें 6 जवान घायल हुए हैं। 4 दिन में 4 आतंकी हमले, डोडा की ये बात हम कर रहे हैं। कठुआ में 2 आतंकी ढेर किए सेना के जवानों ने, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। रियासी में बस पर फायरिंग की थी, आपको याद होगा, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में जा गिरी, जिसके बाद 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। ये बस दरअसल वैष्णो देवी जा रही थी और रास्ते में इस तरह की आतंकी वारदात हुई थी। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, अब हम देख रहे हैं कि जम्मू में इन आतंकियों का कॉन्सेंट्रेशन है, ये एक नई साजिश के तहत इस तरीके से वहां पर फैल रहे हैं आतंकी, क्योंकि वहां पर मैंने देखा था कि सेना की जो तैनाती है वो उतनी नहीं होती है जितनी श्रीनगर या फिर कश्मीर इलाके में देखी जाती है।